उत्तर प्रदेश में अब निकाय चुनाव है और इसको लेकर सभी दलों ने अपनी कमर कस ली है। अपर्णा यादव इस समय पहुंची हुई हैं अपना वोट कास्ट करने के लिए। आप जिस तरीके से आज वोट कास्ट कर रही हैं, क्या लगता है कि चुनाव के परिणाम पहले हम पूछ लेते हैं क्या होंगे, कैसे? देखिए, मैं ये कहूँगी कि जनता का विजय श्री आशीर्वाद जो है बीजेपी को मिले, बाकी जो है जनता जनार्दन है और अपने सोच समझ से जो है वोट करती है। मैं समझती हूँ कि ज़रूर जो है भारतीय जनता पार्टी के अच्छे काम जो हैं पार्टी के सभी लोगों को कर्मठ तरीके से और पूरे जुझारू रूप से जिस प्रकार से हम सभी ने प्रचार किया है, सभी लोग देख रहे हैं और ज़रूर जनता अच्छा निर्णय देगी। समाजवादी पार्टी कह रही है कि हमने रिवर फ्रंट बनाया, हमने मेट्रो बनाई, विकास तो बीजेपी ने कहीं किया ही नहीं है, लखनऊ की ना नगर निगम में विकास हुआ है, ऐसे में इस बार जनता उखाड़ फेंकेगी उनको। कि अभी तो चुनाव के परिणाम आने बचे हैं, आज ही हम लोगों ने वोट दिया है तो डेफिनेटली इसका हम सभी लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। और पहले भी चुनाव में कौन जीता कौन हारा ये सबको पता है, तो सब लोग अपना जो है देख लें किस प्रकार से जो है इस बार भी हम लोग बहुत तेज़ी से जीत दर्ज करेंगे। उत्तर प्रदेश में माफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की, क्या आपको लगता है कि अहम रोल माना जाएगा ये जिस तरीके से निकाय चुनाव है? योगी आदित्यनाथ जी जहाँ भी सभा कर रहे हैं माफियाओं के बारे में कह रहे हैं, इस नगर निकाय चुनाव में कितनी आपको लगता है कितनी राहत है लोगों को? माफियाओं की जगह हमेशा से जेल में थी, हमेशा से उनकी जगह जो है वही होनी चाहिए थी। ये मुझे लगता है अहो भाग्य है, धन्य भाग्य है उत्तर प्रदेश की जनता कि हमें इतना अच्छा मुख्यमंत्री मिला है, यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के सरकार में माफियों को उनकी असली जगह मिल गई। जी, एक बड़ी जिम्मेदारी की बात चलती रही थी, इससे पहले भी चली थी कि कहीं मेयर का चुनाव अपर्णा यादव को नाम रहेगा, उसके बाद पता चला कि नहीं है, क्या लगता है आपको भी? मैं समझती हूँ पार्टी की, मैं एक कार्यकर्ता हूँ, एक कार्यकर्ता के रूप में मैं काम कर रही हूँ और मेरे पार्टी के सभी लोग जो है मुझे बहुत स्नेह करते हैं, उनका पूर्ण आशीर्वाद है मेरे ऊपर। मैं समझती हूँ पार्टी मेरे बारे में ज़रूर सोच रही है और सोचेगी। धन्यवाद बात करने के लिए। अपर्णा यादव साफ तौर से मानना है कि वो लगातार जो है इस बार बीजेपी निकाय चुनाव जीतेगी और उसको लेकर पूरी तरीके से कर्मठ और तैयारी है। लखनऊ से आशीष श्रीवास्तव आज तक।